1,65,000 1,65,000 दे दीजिए फटाफट। इसका 1,48,000 1,35,000 1,35,000 एक से दो साल पुरानी गाड़ी पे आप 1,00,000 बचत करा रहे हैं, देख सकते 350 ले जा सकते हैं मात्र 1,20,000 में। प्राइस दीजिए 1,25,000 1,25,000 भैया मजाक नहीं, मजाक नहीं, 35,000 में दे देंगे। की मॉडल होने वाली है मात्र 45,000 में मिलने वाली है भैया, चैलेंजिंग नहीं है पूरे मार्केट में, पूरे मार्केट में हमारे जैसा कोई रेट नहीं देगा। सुन आप चाह रहे थे यमा की एफजी ले जाने के लिए मात्र 35,000 में, स्प्लेंडर भी इतना सस्ता नहीं मिलता पर आपको एफजी मिलने वाला है, 35 देने वाले 40,000 में दे देंगे मात्र 45,000 में 2021 मॉडल ले जाइए। नमस्कार जी, मेरा नाम है शुभम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइड इन दाइम में, स्वागत है आप सभी का सेकंड इंट्रोड्यूस बाइक की दुनिया में। बाइक की दुनिया में इसलिए बोल रहा हूँ, आज आपका भाई फिर से पहुंच चुका है दिव्यांश मिटक, कलेक्शन काफी ज्यादा होने वाला है आज की वीडियो में। बुलेट का तो यहाँ पे आप लाइनअप लगा हुआ, एक ने दो ने तीन ने टोटल 10 से 11 बुलेट में आज आपको दिखाने वाला हूँ, और काफी कम चली हुई बुलेट होने वाली है और काफी अपडेटेड मॉडल होने वाली है। ये नहीं आपको 2013-14 का ले जाना है, सब आपको लेटेस्ट वाली मॉडल होने वाली है, 17 से लेके 21-22 तक की बुलेट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ आज के वीडियो में, और रेट काफी शॉकिंग होने वाला है। एक बार भैया को बोलूंगा, भैया एक बार बुलेट का सेटअप दिखाइए, क्या स्टॉक होने वाला है आज की वीडियो में, हर कलर में आपको बुलेट मिलने वाला है। अगर जो आप चाह रहे थे तो आप एक बार, मैं खुद बोलूंगा एक बार आके विजिट कीजिए, यहाँ पे काफी कम रेट में आपको बुलेट मिल जाएगा, नहीं खर्च करना है आपको 2,00,000 रुपया, अराउंड 1 से 1.5 लाख अगर आपके पास भी है तो आप बुलेट ले जा सकते हैं। 1,20,000 में मैं आज आपको बुलेट दिलाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस साइड की बात की जाए माइलेज सेगमेंट वाली गाड़ी होने वाली है, अगर आपका बजट लो है, खोज रहे थे कॉमर्शियल यूज के लिए गाड़ी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवीएस की एक्सल 100 लगी हुई है, जिसका रेट काफी नॉमिनल होने वाला, मुश्किल से मुश्किल 50,000 भी आपको खर्च नहीं करना है, 40,000 के अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, बुलाते हैं यहाँ के प्रोड ओनर दीपक भैया को और उनसे ही लेते हैं क्या डिटेल होने वाला गाड़ी का। अरे बीच आ चुके हैं दीपक भैया, सबसे पहले भैया आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। भैया क्या स्टॉक आज की वीडियो में होने वाला है? आज बुलेट का स्टॉक है। बुलेट जी भैया, कितना बुलेट लगा हुआ है कम से कम आप बता दीजिए? कम से कम 15 है। 15 बुलेट है स्टॉक में भी आप देख सकते हैं, नहीं भी तो आप 10 से 11 बुलेट का यहाँ पे आप लाइनअप आप देख सकते हैं, सारा रेंज का बुलेट होने वाला है, सब मॉडल, सारा मॉडल है इसमें। 21 तक का है 2021, 17 से 21 तक। सुन सकते हैं भैया से, 2017 से लेके 2021 तक की बुलेट आपको यहाँ मिल जाएगी आराम से। और इस साइड का कलेक्शन की बात की जाए, एक बार आप देखिए क्या कलेक्शन आज की वीडियो में होने वाला है, और अंदर में भी काफी गाड़ी होने वाला है, अंदर में भी है। भैया आज की पहली गाड़ी कौन सी होने वाली, कहाँ शुरू करने वाले हम लोग? बुलेट क्लासिक भैया, 15 अगस्त आने वाला है, तो देख लीजिएगा क्या प्राइस पे गाड़ी मिलने वाला है। हम मेरे यहाँ सब प्राइस बढ़िया ही रहता है, जैसा कि भैया बता पा रहे हैं 15 अगस्त पे कुछ ना कुछ आपको ऑफर में मिलने वाला सारा गाड़ी, मतलब जो डिस्काउंट प्राइस में आपको मिलने वाला है कि नहीं भैया? बिल्कुल भैया, आज की पहली गाड़ी होने वाली है कौन सी होने वाली है? क्लासिक है, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक की 350 ब्लैक में, सबसे डिमांड कलर है, देख सकते हैं आप क्लासिक की 350 यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, शोरूम कंडीशन में आपको गाड़ी मिलने वाली। कंडीशन वगैरह की बात की जाए, आप पहले गाड़ी का बैकग्राउंड ले लीजिए, ये वो स्क्रेच नहीं है। भैया कब की मॉडल होने वाली? 2020 मॉडल, 2020 की मॉडल, 2020 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना चला होगा भैया? चला हुआ है 16,000। 2020 की मॉडल है, फर्स्ट ओनरशिप पे 16,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। टायर वायर का ग्रिप एक बार आप देख लीजिए, क्या ग्रिप में आपको टायर मिलने वाली है। नंबर वगैरह की बात की जाए, PR01 पटना का आपको गाड़ी मिलने वाला है, कंडीशन काफी बेहतरीन है, नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन गाड़ी आपको मिलने वाली है। भैया प्राइस पे आते हैं, क्या प्राइस पे देने वाले हैं इसका? हम लोग रखे 1,65,000 आने पे कितना तक में हो जाएगा इसके लिए फाइनल कर दीजिए आज। आने पे ऐसा नहीं है कि हम लोग डिस्काउंट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ कम कर ही देते हैं। आइएगा बैठिएगा, इस पे थोड़ा बहुत प्राइस नेगोशिएशन हो जाएगा, प्राइस फिक्स नहीं है। 1,65,000 की आस्किंग की जा रही है, पर ऑन टेबल बैठने पे प्राइस कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए, कौन सा वाली है? क्लासिक 2019 मॉडल, जिन भाइयों को चाहिए था क्लासिक सिल्वर कलर में आप देख सकते हैं, एक ब्लैक कलर में है, एक सिल्वर में भी ऑप्शन आपको कलर में आपको सब कलर मिल जाएगा, सारा कलर में आपको अवेलेबल होने वाला। नंबर आप देख सकते हैं BR01 पटना का, ये भी नंबर होने वाला, और नंबर आप एक बार देख लीजिए, यूनिक नंबर आपको मिलने वाला है। और कंडीशन वगैरह की बात की जाए, एक बार आप साइड प्रोफाइल गाड़ी का देख लीजिए, 2019 की मॉडल होने वाली, फर्स्ट ओनरशिप पे तो होगा भैया? फर्स्ट ओनर। कितना चला होगा भैया? चला हुआ आपका है 15,000।
15,000 के आसपास गाड़ी चली हुई, आप खुद देख सकते हैं क्या कंडीशन में आपको गाड़ी मिलने वाली है। या किसी तरह का खर्चा हुआ? कोई खर्च नहीं, कोई खर्च नहीं है गाड़ी, किसी तरह कोई खर्च नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक सर्विस वर्विस सब करा के रखा हुआ। सुन सकते भैया से, किसी तरह कोई खर्च नहीं होने वाला गाड़ी में, बस आना है, फ्यूल लेना है, चलना है। मैं प्राइस दे दीजिए फटाफट इसका, 1,48,000। 1,48,000 45 कर दीजिए आज के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाला भैया 15 अगस्त। चलिए आपकी का बात, 1,45,000 आप देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड की बुलेट आपको मिलने वाली है, सिल्वर कलर में, एक रेड कलर में भी आपको, रेड कलर में है, 2018 मॉडल, 2018 की मॉडल है, और आप देख सकते हैं रेड कलर में आपको मिलने वाली, ये भी काफी अच्छे कंडीशन में गाड़ी मिलने वाली है, काफी बचा हुआ लग रहा है भैया देखने से। बिल्कुल बिल्कुल, 2018 मॉडल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, 21,000 मात्र जिनविन चला हुआ है गाड़ी। सुन सकते हैं भैया से, जेन्युइन 21,000 के आसपास गाड़ी चली हुई, आप खुद गाड़ी बता रही है, BR01 पटना का नंबर होने वाला है। एक बार टायर का ग्रिप देख लीजिए, अभी टायर ओरिजिनल ही है, ओरिजिनल टायर में आपको मिलने वाला है, मतलब कुछ करना नहीं, बस लेके चलाना है, किसी तरह कोई खर्च नहीं, खर्च नहीं। भैया प्राइस पे आते हैं इसका, 1,35,000। 1,35? 1,35। सुन सकते 1,35,000 में आपको रेड कलर की रॉयल एनफील्ड की बुलेट मिलने वाली है, कंडीशन देख सकते हैं आप गाड़ी का। भैया नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए, 2018 मॉडल ईवी गाड़ी, देख सकते कलर वेरियंट आप देख सकते, सारा कलर में आपको अवेलेबल है। कब की मॉडल बता? 2018 की क्लासिक की 350 ये भी होने वाली है। एक बार टायर वगैरह का ग्रिप देख लीजिए, इसका विटर ओरिजिनल है। कितना चला होगा भैया? सब चला हुआ है आपका 18,000 की, 18,000 के आसपास गाड़ी चली हुई। एक बार कंडीशन गाड़ी का आप देख लीजिए, क्या बेहतरीन कंडीशन में आपको गाड़ी मिलने वाली है। या प्राइस पे आते हैं इसका भी 1,35,000। 1,35,000 सारा तो फर्स्ट ओनरशिप पे होगा, जो भी है सब फर्स्ट ओनर, सारा फर्स्ट ओनरशिप पे, आप देख सकते हैं सारा फर्स्ट ओनरशिप पे गाड़ी होने वाली है। एक व्हाइट कलर में, 2021 मॉडल व्हाइट कलर में, क्लासिक, बहुत डिमांडिंग कलर व्हाइट, जैसा कि आप लोग बोलते भैया व्हाइट दिखाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 मॉडल है, BS6। सुन सकते भैया खुद बता रहे, BS6 वाली वेरियंट होने वाली, जो लेटेस्ट अभी आ रही है। और नंबर की बात की जाए, आप एक बार देख लीजिए, 3210 आपको नंबर मिलने वाला, कंडीशन वगैरह काफी मिंट कंडीशन में आपको गाड़ी मिलने वाली, काफी बची हुई गाड़ी है। टायर वायर का ग्रिप एक बार आप देख लीजिए, कितना चला होगा भैया लमसम? 12,000 चला हुआ है, मात्र 12,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है, गाड़ी खुद बता भी रही है कि 12,000 के आसपास चली हुई है। या प्राइस दे दीजिए, 1,70,000 या क्या प्राइस पॉइंट में नहीं आ रही होगी लमसम? नया में आप लेने जाते हैं अभी इसको, तो आपको पड़ जाएगा 2,65,000। 2,65,000 नहीं भी तो अराउंड 1,00,000 का बचत होने वाला, 1,00,000 का आपका बचत। सुन सकते हैं मात्र 1 से 2 साल पुरानी गाड़ी पे आप 1,00,000 का बचत करा रहे हैं, देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कंडीशन में आपको गाड़ी मिलने वाली है। भैया एक और बुलेट होने वाला है, 2020 मॉडल ईवी गाड़ी, फर्स्ट ओनर है लेकिन बहुत बढ़िया ईवी गाड़ी, 2020 की वेरिएंट होने वाली है। और कंडीशन वगैरह की बात की जाए, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में होने वाला, BS6 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकरिंग वगैरह सारा कुछ कराया हुआ इस गाड़ी में। कितना चला हुआ था भैया? चला हुआ है 16,000। 16,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। नंबर आप देख सकते हैं इसमें भी आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है, 8589। और टायर वायर का ग्रिप एक बार आप देख लीजिए, क्या ग्रिप में आपको टायर मिलने वाली है। भैया प्राइस पे आते, कितने में देने वाला है इसका? 1,65,000 में आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड की बुलेट मिलने वाली है, काफी चैलेंजिंग प्राइस में आपको सारा गाड़ी मिलने वाला है। तो अगर वीडियो देख रहे हैं, नंबर आ रहा होगा भैया का, जल्द से जल्द कॉल करके बुक कराइए, सब गाड़ी बचती नहीं है। भैया एक रेड कलर की बुलेट होने वाली है, थंडरबर्ड 2020 मॉडल, देख सकते हैं क्लासिक के साथ आपको थंडरबर्ड भी यहाँ अवेलेबल होने वाली है, 350 होने वाली थंडरबर्ड की। भैया कब की मॉडल होने वाली है? 2020 मॉडल, 2020 की मॉडल होने वाली है, सारा लेटेस्ट स्टॉक आपको मिलने वाला है। नंबर आप देख सकते हैं BR01 पटना का नंबर होने वाला है, और 2399 नंबर होने वाला, काफी यूनिक, फर्स्ट ओनरशिप पे तो होगा भैया? फर्स्ट ओनर ईवी। कितना चला होगा लमसम? चला हुआ है 16,000। 16,000 के आसपास गाड़ी चली हुई, गाड़ी खुद बता भी रही है टायर कंडीशन देख के। भैया खर्चा तो नहीं होगा किसी तरह? कोई तरह का कोई खर्च नहीं, बस फ्यूल लेना, चलना, सर्विस भी आपको कराया हुआ है इसमें। सुन सकते भैया से, सर्विस तक कराया हुआ है, कुछ करना नहीं, बस लेके चलाना है। प्राइस दे दीजिए इसका, 1,40,000 हम लोग रखे हैं। 1,40,000? सुन सकते 1,40,000 आस्किंग प्राइस है, पर ऐसा नहीं प्राइस फिक्स है, आइएगा बैठिएगा थोड़ा बहुत, इसमें प्राइस नेगोशिएशन हो जाएगा। एक रेड कलर का थंडरबर्ड हो गया, एक ब्लैक कलर में, ब्लैक भैया काफी अच्छे कंडीशन में ये भी गाड़ी। कब की मॉडल है भैया? बहुत बचा हुआ गाड़ी है। कब की मॉडल है भैया? ये 2019 मॉडल। सुन सकते भैया से, 2019 की मॉडल है, काफी बची हुई गाड़ी, जैसा की भैया खुद बता पा रहे, कंडीशन एक बार आप खुद देख लीजिए। भैया किलोमीटर पे आते, कितना किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली? मात्र 9,000 चला हुआ है। मात्र 9,000? सुन सकते हैं मात्र 9,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है, इसीलिए भैया खुद बोल रहे हैं काफी बची हुई गाड़ी है। और जो लोग लेना चाह रहे बुलेट की थंडरबर्ड, काफी बची हुई गाड़ी आपको मिलने वाली है। भैया प्राइस दीजिए, 1,20,000।
भाई मजाक नहीं ना, मजाक नहीं एकदम देना होगा बोल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल 120,000 में आप सुन सकते हैं रॉयल एनफील्ड की थंडर बर्ड मिलने वाली, वो भी 2015-16 नहीं 2019 मॉडल आपको मिलने वाली है। इंटरेस्टेड होंगे नंबर आ रहा होगा, फटाक से कॉल उठाइए और भैया को कॉल लगाइए। यामा की एमटी होने वाली, एमटी 15 होने वाली, कब की मॉडल है भैया? 2021 मॉडल, 2021 की मॉडल है। और देख सकते कंडीशन काफी बची हुई गाड़ी होने वाली, एकदम शोरूम कंडीशन में गाड़ी होने वाली। पहले गाड़ी का बैकग्राउंड ले लीजिए, कितना चला होगा? 11,000 मात्र चला हुआ, 11,000 सुन सकते हैं, मात्र 11,000 के आसपास गाड़ी चली हुई। एक बार टायर वायर का ग्रिप देख लीजिए, क्या ग्रिप में आपको टायर मिलने वाली, कंडीशन देख लीजिए, गाड़ी खुद बता रही कितनी चली हुई है। भैया किसी तरह खर्चा वगैरह नहीं है, बस आना फ्यूल लेना चलना है। सुन सकते भैया से किसी तरह कोई खर्च नहीं होने वाला गाड़ी में, बस फ्यूल लेना और चलना है। भैया प्राइस दीजिए फटाफट। 1,40,000 1,40,000 भैया नया अभी क्या प्राइस क्या रहा? 2,10,000 11,000 कुछ ऐसी समथिंग, अराउंड 70,000 का बचत। हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, 70,000 का बचत आप करा सकते हैं मात्र 2 साल पुरानी गाड़ी पे। 2 साल भी नहीं कह सकते, 1.5 से 2 साल आप बोल सकते हैं। 1,40,000 की आस्किंग की जा रही है। जिन भाई को चाहिए था R15 काफी डिमांडिंग गाड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं R15 की V3 वाली मॉडल आपको लगी हुई है। डिटेल दीजिए फटाक से। 2019 मॉडल गाड़ी है, ईवी गाड़ी, फर्स्ट ओनर। 2019 की मॉडल है, फर्स्ट ओनरशिप पे। कितना चला होगा? 15,000 चला हुआ, 15,000 के आसपास गाड़ी चली हुई। भैया इसका इंडिकेटर थोड़ा टूटा हुआ है तो ये रिप्लेस हो गया, सब तो हम लोग ठीक करा के देंगे। देख सकते हैं जो है ओरिजिनल होने वाला है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलने वाला है डैमेज पर, यहाँ पे भैया खुद बोल रहे हैं कि आपको करा के मिलने वाला है। और टायर वायर का ग्रिप आप देख लीजिए, रेशा तक अभी तक नहीं गया। 15,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। प्राइस दीजिए 1,25,000 जी। सुन सकते 1,25,000 में आपको R15 की V3 वाली मॉडल मिलने वाली है, कंडीशन काफी बेहतरीन होने वाला है। और नंबर तो भैया पटना ही का, पटना का नंबर आपको मिलने वाला है इस गाड़ी में। भैया कौन सी गाड़ी होने वाली है? जिक्सर है, 2018 मॉडल, सुजुकी की जिक्सर होने वाली है। काफी रेट इसका काफी शॉकिंग होने वाला है, आप देख सकते हैं काफी अच्छी गाड़ी होने वाली और रेट काफी शॉकिंग होने वाली इस गाड़ी का। कब की मॉडल है भैया? 2018 मॉडल है, 2018 की मॉडल होने वाली है। ओनरशिप की बात की जाए मैक्सिमम फर्स्ट ही आपको मिलने वाला है और नंबर आपको पटना का मिलने वाला है। कितना चला हुआ होगा? चला हुआ है 17-18 हजार के बीच में, 17-18 हजार के आसपास गाड़ी चली हुई। टायर वायर का ग्रिप एक बार आप खुद देख लीजिए, क्या ग्रिप में टायर मिलने वाली है। भैया माइलेज वगैरह क्या निकालते हुए? 45 के आसपास, 45 के आसपास की माइलेज आपको निकाल के देने वाली है। 150 सीसी है, 150 सीसी है। भैया प्राइस दे दीजिए 45,000 45,000 में क्या बोला था आपको? शॉकिंग प्राइस में आपको गाड़ी मिलने वाली है। 2018 की मॉडल होने वाली है, मात्र 45,000 में मिलने वाली है। भैया चैलेंजिंग नहीं है पूरे मार्केट में? पूरे मार्केट में हमारे जैसा कोई रेट नहीं देगा। सुन सकते हैं भैया से इस रेट में आपको पूरा मार्केट भी खोजिएगा, आपको इस रेट में नहीं मिलेगा। कस्टमर भी आता है, लोग यही बात बोलता है, नहीं भैया आपका रेट बढ़िया। सुन सकते हैं भैया खुद बता रहे, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आप देख सकते हैं, खुद कस्टमर आके बोलते हैं रेट आपका अच्छा है। नहीं कि बाहर का कस्टमर है तो उसको लूट लिए, सबके लिए वही रेट, सबके लिए वही रेट है। और वीडियो में दिखा रहे तो आपको मिलने वाला, ऐसा नहीं कि कुछ गलत दिखा रहे, नहीं आपको मिलने वाला ये चीज। मैं नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए, पल्सर 2019 मॉडल, पल्सर की 150 होने वाली। मॉडल की बात की जाए 2018 है मॉडल होने वाली है। और नंबर की बात की जाए आपको फिर से पटना का मिलने वाला है। टायर वायर का ग्रिप तो अच्छा मिलता ही आपको यहाँ। कितना चला होगा भैया? ये चला हुआ है 17,000 17,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। एक बार कंडीशन आप देख लीजिए पहले, प्रोफाइल ब्लैक कलर में गाड़ी होने वाली है। मैम माइलेज वगैरह तो अराउंड 45 के आसपास देगी। प्राइस पे आते हैं 60,000 में आप देख सकते हैं बजाज की पल्सर 150 मिलने वाली है, कंडीशन काफी बेहतरीन होने वाली है। डबल डिस्क है, डबल सीट है, अच्छा इसमें डबल डिस्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको डबल डिस्क मिलने वाला है और डबल सीट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए, अपाची 2019 मॉडल। जिन भाई को चाहिए था अपाची, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई अपाची दिखाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपाची लगी हुई है। कब की मॉडल बताए? 2019 की मॉडल होने वाली है। और नंबर आप देख सकते हैं पटना का आपको नंबर मिलने वाला है। और कंडीशन वगैरह की बात की जाए आप खुद देख लीजिए क्या कंडीशन में आपको गाड़ी मिलने वाली है। 2020 बताना भैया, 19 मॉडल, फर्स्ट ओनरशिप, पटना नंबर। कितना चला होगा पहले? चला हुआ होगा 16,000 के आसपास। माइलेज वगैरह तो ही निकालेगी 45 के आसपास। प्राइस दे दीजिए इसके, इसका 85,000 ट्रांसफर, 85,000 में आप सुन सकते हैं टीवीएस की अपाची मिलने वाली 160 वाली मॉडल और काफी अच्छे कंडीशन में होने वाली, किसी तरह कोई खर्च नहीं होने वाला, बस आना फ्यूल लेना चलना है। जिन भाई को चाहता है माइलेज सेगमेंट की गाड़ी, यहाँ पे माइलेज सेगमेंट में आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिलने वाली है। कौन सी गाड़ी होने वाली? यामा की सेल्यूटो होने वाली है। कितना माइलेज निकालती है? ये आपको देगा 60-65 का, 60-65 के आसपास। यामा की सबसे ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी होने वाली है, बहुत लो मेंटेनेंस,
बैग कितना चला हुआ होगा? चला हुआ आपका 15 से 16 हजार के पास, 15 हजार चला, 15 हजार में भी आपको डिस्क मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं। और कब की मॉडल है भैया? 2018 की मॉडल होने वाली है। नंबर वगैरह की बात की जाए, 2004 नंबर आपको मिलने वाला है, यूनिक नंबर आपको मिलने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ लगा हुआ है, मोबाइल होल्डर वगैरह। भैया प्राइस की बात की जाए, कितने में देने वाला है इसका? 35 हजार। भैया मजाक नहीं, मजाक नहीं, 35 हजार में दे देंगे। 2018 मॉडल सुन सकते हैं, 2018 मॉडल 35 हजार में आपको मिलने वाली है ये गाड़ी। मजाक नहीं हो रहा है, सीरियसली बोल रहे हैं, 35 हजार में आपको मिलने वाली है। भैया एक और गाड़ी होने वाली है, FZ है, 2014 मॉडल, ईवी गाड़ी, फर्स्ट ओनर, लेकिन बहुत बढ़िया गाड़ी है। 2014 की मॉडल है और रेट काफी आपको अच्छा मिलने वाला है। BS6 नहीं, BS4 में मिले, BS3 है, BS3 वाली, BS3 है, इसमें कार्बेटर है, देख सकते हैं। जो है भैया खुद बता रहे, BS3 है तो BS3 है, और नंबर आपको पटना ही का मिलने वाला है। ओनरशिप की बात की जाए तो भैया फर्स्ट बताए, फर्स्ट ओनरशिप है भैया। टायर वायर तो सारा अच्छे कंडीशन में है, दोनों टायर अभी नया। सुन सकते हैं भैया, सारा कुछ आपको नया मिलने वाला है इस गाड़ी में। भैया कितने में देने वाला है इसका? इसका 35 हजार। 35 हजार में? 35 हजार, 35 हजार में 150 cc। सुन सकते हैं 35 हजार में आपको मिलने वाला है, ये देख सकते हैं आप। अगर आप चाह रहे थे यमा की FZ ले जाने के लिए, मात्र 35 हजार में। स्प्लेंडर भी इतना सस्ता नहीं मिलता, पर आपको FZ मिलने वाला है 35 हजार में। जिन भाइयों को चाहिए था कॉमर्शियल यूज के लिए गाड़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं TVS की XL 100 लगी हुई है। भैया लोडिंग के लिए काफी अच्छी, इसी यही आती है, यही आती। नंबर की बात कीजिए, आप देख सकते हैं 2009 नंबर आपको मिलने वाला है, यूनिक नंबर आपको मिलने वाला है। और कंडीशन वगैरह की बात कीजिए, एक बार देख लीजिए। कब की मॉडल है भैया? 2021 सेल्फ वाला। सुन सकते हैं 2021 की मॉडल है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको सेल्फ वगैरह मिलने वाला है। BS6 है, BS6 वाली आपको वेरिएंट मिलने वाली है। भैया कितना चला होगा? 22 हजार के बीच, 22 हजार के आसपास। कॉमर्शियल यूज के लिए तो भैया चलती है, और फर्स्ट ओनरशिप, फर्स्ट ओनरशिप है। भैया प्राइस बताइए। 45 हजार में दे देंगे। 45 हजार? सुन सकते हैं मात्र 45 हजार में आप कॉमर्शियल यूज के लिए ले जा सकते हैं TVS की XL 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक XL 100 2021 मॉडल, एक XL 100 2018 मॉडल 2018 मॉडल होने वाली है। और सारा गाड़ी पे आपको आज ऑफर मिलने वाला 15 अगस्त का। भैया बताइए कितने में देने वाले? 40 हजार में दे देंगे, मात्र 40 हजार। सुन सकते हैं मात्र 40 हजार में आप देख सकते हैं XL 100 ले जा सकते हैं। इसमें भी आपको सेल्फ वगैरह सारा कुछ मिलने वाला, काफी मजबूत गाड़ी है। लोडिंग के लिए आप देख सकते हैं ये सब सारा कुछ कराया हुआ है। BS6 नहीं है लेकिन, अच्छा BS4 वाले पे। भैया शाइन लगी हुई है होंडा की, यहाँ पे आप देख सकते हैं होंडा की शाइन लगी हुई है। भैया डिटेल बताइए कब की मॉडल होने वाली है? CD 100। अच्छा CD 100, CD, अच्छा CD 110 cc है। अच्छा 110 cc। भैया तो माइलेज तो काफी अच्छा है इसका, 65। माइलेज किंग है ये गाड़ी, आप देख सकते हैं। नंबर की बात की जाए, पटना का नंबर मिलने वाला है। कंडीशन वगैरह की बात की जाए, खाली आपको थोड़ा सा डस्ट मिलने वाला है, बाकी गाड़ी अच्छे कंडीशन में होने वाली। कितना चला होगा भैया? हम सब चला हुआ है आपका, चला हुआ है 21 हजार, 21 हजार के आसपास चली हुई है। कब की मॉडल बताए थे? 2021 की मॉडल है, आप देख सकते हैं। बताइए प्राइस बताइए इसका? 45 हजार। 45 हजार में, 45 हजार में 2021 मॉडल ले जाइए। सुन सकते हैं 45 हजार में आप 2021 मॉडल की होंडा की CD 100 ले जा सकते हैं। काफी अच्छी गाड़ी होती है माइलेज के लिए। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है? एक्टिवा 2019 मॉडल, होंडा की एक्टिवा होने वाली है। भैया ये 125 cc वाली, 125 वाली वेरिएंट होने वाली है। इसका आपको परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन मिलने वाला है। नंबर तो भैया पटना ही का, ओनरशिप तो फर्स्ट होगा। कब का बताया भैया? कब की मॉडल है? 2019 की मॉडल है। आइए थोड़ा गाड़ी का पहले बैकग्राउंड ले लीजिए। कितना चला होगा भैया? लमसम चला हुआ आपको होगा वही 17-18 हजार, 17-18 हजार के आसपास गाड़ी चली हुई है। कंडीशन वगैरह टायर की काफी अच्छी होने वाली है, आप देख सकते हैं खुद। प्राइस बताइए कितने में? 45 हजार में। 45 हजार। सुन सकते हैं 45 हजार में आप देख सकते हैं होंडा की एक्टिवा की 125 cc वाली मिलने वाली है। काफी अच्छे अच्छे रेट में सारी गाड़ी मिलने वाली है, फॉर सेल होने वाली सारी गाड़ी, बस आप लोग के लिए लगी हुई है। हीरो होंडा की कौन सी गाड़ी होने वाली? सुपर स्प्लेंडर। सुपर स्प्लेंडर। कब की मॉडल है? 2019 मॉडल, 2019 की मॉडल है। कंडीशन वगैरह की बात की जाए, शोरूम कंडीशन में आपको गाड़ी ये मिलने वाली है। कब की मॉडल बताया भैया? 2019 की मॉडल होने वाली। कंडीशन एक बार आप देख लीजिए, नंबर वगैरह आपको पटनाई का मिलने वाला है। टायर वायर का, ग्रिप की बात की जाए, ग्रिप एक बार आप देखिए क्या ग्रिप में टायर मिलने वाली है। कितना चला होगा भैया? 16 हजार। मात्र 16 हजार के आसपास गाड़ी चली हुई है, आप खुद कंडीशन देख के बता सकते हैं 16 हजार के आसपास गाड़ी चली हुई होगी। आप प्राइस बताइए इसका? 55 हजार। 55 हजार, 55 हजार में आप देख सकते हैं सुपर स्प्लेंडर, काफी डिमांडिंग गाड़ी है। अगर चाहते हैं सुपर स्प्लेंडर ले जाना तो दिव्यांश मोटर में गाड़ी लगी हुई है। नेक्स्ट गाड़ी कौन सा होने वाली है? अपाची 2018 मॉडल, अपाची की
160 होने वाली है, 2018 की वेरिएंट होने वाली है, कितना चला होगा भैया? ये चला हुआ आपका 17,000 चला हुआ है। कितना चला हुआ है? 17,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है, जो है काफी कम चली हुई गाड़ी आपको मिलने वाली है। नंबर की बात की जाए पटना ही का आपको मिलने वाला है, टायर वायर का ग्रिप खुद देख लीजिए, कंडीशन वगैरह की बात की जाए अच्छे कंडीशन में गाड़ी होने वाली है। भैया प्राइस पे आते हैं, कितने इसका? 70,000। 70,000 में भैया पेपर वगैरह सारा कुछ करा के ना? सब चीज करा के, कहीं आपको नहीं जाना है, सारा कुछ भैया खुद करा के देंगे। 70,000 की आस्किंग की जा रही है, पर आने पे इसे भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए कौन सी? पैशन प्रो BS6 में। भैया नया गाड़ी है क्या? हाँ, नया वाला। आप देख सकते हैं नया गाड़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीकर तक अभी तक नहीं निकला, यहाँ पे आप देख लीजिए स्टीकर तक नहीं निकला है। भैया कब की मॉडल होने वाली है? 2020 की मॉडल है, देख सकते हैं फिर भी काफी मेंटेन्ड है। कितना चला होगा भैया लमसम? ये चला हुआ आपका है 10,000 के बीच में होगा। 10,000 के आसपास गाड़ी चली हुआ, गाड़ी खुद बता रही है कि मात्र 10,000 के आसपास गाड़ी चली हुई। टायर वगैरह ग्रिप देख लीजिए, क्या ग्रिप में टायर मिलने वाला है। तो भैया इसमें तो कुछ होना नहीं है, स्टीकर तक अभी तक लगा हुआ है कंपनी वाला। हाँ गाड़ी अभी नई गाड़ी है, नया ही गाड़ी है। भैया माइलेज वगैरह तो अच्छा ही निकालते, 60-65 नई गाड़ी है। तो भैया क्या प्राइस पे देने वाले? इसको हम लोग छूट देंगे 58,000 में। 58,000 सुन सकते हैं, मात्र 58,000 में आपको फैशन प्रो मिलने वाली। इस पे आते हैं 2019 मॉडल, 2019 की मॉडल होने वाली है, और V3 वाली वेरिएंट होने वाली है, और नंबर आपको पटना ही का मिलने वाला है। एक बार गाड़ी का बैकग्राउंड ले लीजिए, टायर वायर का ग्रिप की बात की जाए देख सकते हैं काफी बेहतरीन कंडीशन में आपको टायर मिलने वाला है। डिस्क ब्रेक डबल डिस्क है क्या भैया? डबल डिस्क होगा, देख सकते हैं इसमें डबल डिस्क में आपको मिलने वाला है। V3 है ना भैया? V3। कितना चला होगा लमसम? 17-18 के बीच में, 17-18,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। प्राइस पे आते हैं 78,000 आने पे थोड़ा बहुत 75 तक हो जाएगा, हो जाएगा, आइएगा बैठेगा 75 तक में आपको, इंडिपेंडेंस डे तक में आपको गाड़ी मिल जाएगी 75,000 में। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए कौन सा? एवेंजर, बजाज की एवेंजर, जिन भाई को चाहिए था एवेंजर, यहाँ पे देख सकते हैं एवेंजर लगी हुई है। 180 सीसी है, 180 सीसी वाली है। बैक कब की मॉडल होने वाली? 2019 का, 2019 की मॉडल होने वाली है। नंबर की बात की जाए आप एक बार नंबर देख लीजिए, 9941 नंबर होने वाला है। और कंडीशन वगैरह की बात की जाए, गाड़ी का कंडीशन देखिए, कितना चला होगा भैया लमसम? चला हुआ आपका होगा 15-16,000 के, 15-16,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। एक बार टायर का ग्रिप देख लीजिए, स्टीकर तक अभी तक नहीं निकला, देख लीजिए आपने, आपको दिखा दे रहा हूँ स्टीकर भी लगाए हुए टायर में। भैया प्राइस पे आते हैं इसका 65,000। 65,000 जी, सुन सकते हैं 65,000 में आपको बजाज की एवेंजर मिलने वाली है, कंडीशन काफी अच्छी होने वाली है इस गाड़ी की। भैया एक और एवेंजर लगा हुआ है, इसके बारे में आते हैं। 2018 मॉडल है ये, 150 वाली है क्या? 150, ये 150 वाली है, 180 वाली है, 2018 बताया ना, 2018 की वेरिएंट होने वाली है। और नंबर की बात की जाए, ये भी आपको पटना का मिलने वाला है। ओनरशिप तो मैक्सिमम फर्स्ट मिलने वाला है, तो मैं वो बता दे रहा हूँ। भैया कितना चला हुआ था? 17,000। 17,000 के आसपास गाड़ी चली हुई। भैया प्राइस बताइए? 55,000 जी, मात्र 55,000। 55,000 सुन सकते हैं, मात्र 55,000 में आपको बजाज की एवेंजर मिलने वाली है, 2018 वाली मॉडल, कंडीशन काफी लाजवाब होने वाला दोनों गाड़ी का। भैया पल्सर पे आता है, 2019 की मॉडल होने वाली, 17,000 17,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। यहाँ पे हम नंबर की बात की जाए, पटना का आपको नंबर मिलने वाला है, और टायर वायर का ग्रिप अच्छा मिलने वाला है इस गाड़ी में, फुली ब्लैक कलर में गाड़ी होने वाली है। यही गाड़ी बता रहे थे क्या भैया? काफी बचा हुआ जो है, हाँ, पल्सर में, पल्सर की बात की जाए काफी बची हुई गाड़ी, भैया खुद बता रहे थे मेरे को कि काफी बची हुई गाड़ी आई हुई है। कितने में देने वाले भैया? ये आपको 62,000 में छोड़ देंगे। 62,000 जी, सुन सकते हैं मात्र 62,000 में आप ले जा सकते हैं बजाज पल्सर की 150 वाली वेरिएंट। भाई एक और है 150, 2018 मॉडल, डबल डिस्क, डबल सीट में, आप देख सकते हैं डबल सीट आपको, डबल डिस्क भी, अच्छा डबल डिस्क इस गाड़ी में लगी हुई है। 2018 बताया, मॉडल 2018 की मॉडल होने वाली है। नंबर की बात की जाए, पटना ही का आपको नंबर मिलने वाला है। स्टिकरिंग वगैरह की बात की जाए, आप देख सकते हैं पूरा कलर आया हुआ है इस गाड़ी पे। भैया कितना चला होगा? 16,000-17,000 के बीच में होगा लमसम। 16-17,000 मानी, 16,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है, कंडीशन काफी अच्छा होने वाला है, टायर वगैरह का ग्रिप बहुत बढ़िया होने वाली है, गाड़ी बहुत बढ़िया है। भैया ले जाना, चलना कुछ नहीं करना, ले जाइए चलाइए, कुछ आपको जाके अलग से करवाना है। आप यहाँ से ले जाते हैं तो आपको कुछ नहीं कराना है, मैकेनिक के पास नहीं जाके दौड़ना, ये हम सब चीज कराया हुआ रहता है, सर्विस, मोबिल, सब चीज, मतलब अभी बस लेके चलना है, और कुछ नहीं करना। भैया प्राइस दे दीजिए इसका, 60,000। 60,000 जी, सुन सकते हैं 62,000-60,000, काफी चैलेंजिंग प्राइस में आपको गाड़ी मिलने वाली है। एक FZ होने वाली है, FZ वर्जन 2, V2 वाली वेरिएंट है, एक V1 भी है, एक V2 है, V3 भी है, अपने पास सारा कलेक्शन होने वाला है। नंबर की बात की जाए, पटना ही का आपको मिलने वाला है। कब की मॉडल है? 2018 का,
2018 की वेरिएंट होने वाली, कंडीशन की बात की जाए यार, आप खुद कंडीशन देख लीजिए गाड़ी का, कितना चला होगा लमसम में? चला हुआ है 19,000। 19,000 ओनरशिप पे, फर्स्ट ओनरशिप पे प्राइस दे दीजिए 60,000। 60,000 जी भाई, आने पे थोड़ा बहुत माल सामान जाएगा। हाँ, आइएगा बैठेगा, मान सम्मान हो जाएगा। वाली गाड़ी खोज रहे थे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, होंडा की शाइन 125 वाली लगी हुई है। 125 भाई, इसमें डिस्क ब्रेक वगैरह भी लगा हुआ है ना? हाँ, लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक वाला भी आपको मिलने वाला है ये सब गाड़ी में। या नंबर की बात की जाए, पटना आपको नंबर मिलने वाला, ओनरशिप फर्स्ट होने वाली है। भैया कितना चला हुआ? 22,000 चला हुआ है। कब की मॉडल है? 2019 मॉडल, 2019 की मॉडल है। 22,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल वाला आपको पैनल मिलने वाला है इस गाड़ी में। भैया प्राइस क्या आता है इसका? 55,000। 55,000 जी, सुन सकते हैं 55,000 में आपको होंडा की शाइन 22 वाली मॉडल आपको मिलने वाली है। रेट काफी शॉकिंग होने वाला सारी गाड़ियों पे। भैया दो FZ लगे हुए इस पे आता है, 2020 मॉडल FZ वर्जन 3। 2020 सुन सकते हैं 2020 की वेरिएंट होने वाली, कितना चला हुआ? भैया चला हुआ आपका है, देख लेते हैं, 17,000 कुछ चला हुआ, 17,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। पूरा LED में होने वाला प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं, भैया ऑन किए थे, इसमें पूरा LED में होने वाला सेटअप। नंबर आप देख सकते हैं, पटना ही का आपको मिलने वाला है। 2020 की वेरिएंट है, 17,000 चली हुई फर्स्ट ओनरशिप पे। प्राइस 85,000। 85,000 में भैया आने पे थोड़ा बहुत हो जाएगा, आने पे थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा, सारा पेपर वगैरह सारा कुछ हो जाएगा ना भैया। फाइनेंस वगैरह की बात की जाए, हो जाएगा इस पे फाइनेंस वगैरह सारा गाड़ी, मैक्सिमम गाड़ी पे फाइनेंस आपको हो ही जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी कौन सा है? FZ 250cc में। FZ 250cc यूनिक गाड़ी है, 250 में आपको देखने को नहीं मिलती है, पर यहाँ पे 250cc में गाड़ी आपको मिलने वाली है। लुक वगैरह देखिए, क्या बेहतरीन लुक में आपको गाड़ी मिलने वाली है। कब की मॉडल है? 2020 की मॉडल होने वाली है। और कितनी सीसी की है भाई? 250 सीसी। जनरली आपको मिलती नहीं 250 सीसी, पर यहाँ पे आपको 250 सीसी वाली गाड़ी मिलने वाली है। कितना चला हुआ भैया? 16,000। 2020 मॉडल, फर्स्ट ओनरशिप, पटना नंबर। की बात की जाए, क्या प्राइस पॉइंट में? 1,85,000 आता है ऑन रोड। 1,85,000। माइलेज वगैरह की बात की जाए, क्या माइलेज? माइलेज आपको 35-40 देगा, 35-40 के आसपास। प्राइस दे दीजिए, कितने में देने इसका? 85,000। 85,000 मात्र, 85,000 में आप देख सकते हैं यमहा की FZ ले जा सकते हैं। कितनी सीसी वाली पे? 250 सीसी। काफी यूनिक गाड़ी आप देख सकते हैं, मिलती नहीं है सब जनरली गाड़ी, और कंडीशन काफी बेहतरीन होने वाला है। नेक्स्ट गाड़ी कौन सा होने वाले थे? सबसे कम बजट में बुलेट क्लासिक, देख सकते हैं बुलेट से स्टार्ट किए थे और बुलेट पे ही मैं एंड करना चाहूंगा। भैया कब की मॉडल है? 2017 मॉडल है इसका, 2017 की मॉडल, 17 मॉडल। सुन सकते 2017 की वेरिएंट होने वाली, पर लग नहीं रही आपको देख के कि 2017 की वेरिएंट होने वाली है, क्योंकि काफी बची हुई है ये सब गाड़ी। नंबर की बात की जाए, पटना ही का आपको मिलने वाला है। साइलेंसर वगैरह की बात की जाए, आप देख सकते किसी तरह का भी आपको रस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि जंग पकड़ लिया ऐसा कुछ नहीं है, बची हुई गाड़ी होने वाली है। कितना चला हुआ है? 24,000 चला हुआ है जो है। एक बार आप देख लीजिए कितना गाड़ी चला हुआ है, ओरिजिनल होने वाला है। 24,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। ओनरशिप तो फर्स्ट ही, फर्स्ट ओनरशिप है। प्राइस दे दीजिए इसका। 1,20,000। 1,20,000 में कब की मॉडल है भैया? 2017 मॉडल। 1,20,000 में आप देख सकते क्लासिक 350 ले जा सकते, मात्र 1,20,000। स्टॉक तो अपने पास काफी होने वाला है, पॉसिबल नहीं सारा कवर करना, तो भैया अनुमान कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल रहता है? अभी गाड़ी बहुत है, बहुत गाड़ी, ठीक से याद नहीं कितना गाड़ी स्टॉक आप देख सकते हैं। नहीं भी तो अराउंड, नहीं भी तो 50-60 गाड़ी का तो स्टॉक यहीं पे लगा हुआ है, और बाकी और भी काफी स्टॉक होने वाला है। अभी मेरे पास बुलेट बहुत ज्यादा है, बुलेट काफी होने वाला है यहीं पे। आप देख सकते हैं 10-12 बुलेट का तो सेटअप यहीं पे, मैं खुद दिखा दूंगा आज की वीडियो में। मैं एक बार एड्रेस बताइए कैसे पहुंच। मेरा एड्रेस है पटना में अटल पथ इंदरपुरी रोड नंबर 9A। जो लोग भैया पटना जंक्शन से आ रहे, पटना जंक्शन से आ रहे हैं तो पटना जंक्शन से ऑटो पकड़िए हड़ताली मोड़ के लिए, हड़ताली मोड़ से इंदरपुरी के लिए टेम्पो मिलता है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। नंबर तो ऐसे डिस्प्ले पे आ ही रहा होगा, अगर दिक्कत होगा भैया को आप कॉल कीजिएगा, भैया खुद आके रिसीव भी कर लेंगे। एक बार फाइनेंस के बारे में बताइए, क्या फाइनेंस हो रहा है? लेकिन फाइनेंस का नियम कुछ कुछ चेंज हुआ है कि पटना से 70 किलोमीटर ही तक हो फाइनेंस, आप मान ले 70 किलोमीटर के रेंज में, 70 किलोमीटर के अंदर के रेंज में रहिएगा तो आपका फाइनेंस हो जाएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में आपका आधार, पेन, पासबुक, ATM और घर का बिजली बिल रहना चाहिए। अब एक डाउन पेमेंट की बात की जाए, कितना डाउन पेमेंट? कोई भी आप गाड़ी फाइनल कीजिए उसमें 35% आपका डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 35% जी, 35% आपको लगेगा और बाकी का फाइनेंस हो जाएगा, बाकी का फाइनेंस होता है। सुन सकते हैं भैया से
आप कोई भी गाड़ी ले जा सकते हैं फाइनेंस पे, काफी बेहतरीन बेहतरीन डील होने वाली सारी गाड़ियों पे। तो भैया को थैंक्स करते हैं, काफी अच्छे से भैया निकल गए। थैंक यू भैया। थैंक्स।